संसद पर 13 दिसंबर को हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और सभी की नजरें अब आरोपियों के मोबाइल पर हैं। यही एक कड़ी है जिसके जरिए इस कांड की तह तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन सवाल ये कि आखिर सभी के मोबाइल फोन कहाँ हैं? दरअसल संसद के अंदर जाने से पहले और प्रदर्शन करने से पहले चारों आरोपी मनोरंजन, सागर, नीलम और अनमोल ने अपना फोन आरोपी ललित झा के पास छोड़ दिया था। ललित झा बाहर भीड़ में शामिल होकर उनका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। पुलिस ने स्मोक कैन से प्रदर्शन के बाद जैसे ही चारों आरोपियों को पकड़ा, ललित झा सभी के मोबाइल लेकर वहां से फरार हो गया। जांच में ये भी सामने आया कि ललित झा ने संसद भवन में विरोध प्रदर्शन के बाद उनका वीडियो उस एनजीओ के मालिक को भी भेजा जिसके कहने पर वो काम करता था। अब आरोपी ललित झा ने सरेंडर कर दिया। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाए जाने के बाद इस पूरी साजिश के मास्टरमाइंड ललित झा ने दिल्ली के थाने में सरेंडर कर दिया। जांच में ये भी सामने आया कि ललित झा ही वो शख्स था जो संसद के अंदर जाने वाले और बाहर प्रदर्शन करने वाले चारों लोगों का मोबाइल फोन लेकर भागा था। लेकिन अब उसके सरेंडर करने के बाद पुलिस को ललित और महेश के पास से कोई भी फोन बरामद नहीं हुआ। महेश ललित का दोस्त बताया जा रहा है जिसने ललित के साथ ही सरेंडर किया है। जानकारी के मुताबिक बुधवार को संसद भवन में कांड के बाद गुरुवार की सुबह ही ललित ने सभी मोबाइल फोन को नष्ट कर दिया था। संसद कांड के बाद आरोपी ललित झा सभी के मोबाइल फोन लेकर भागा और उसके साथी महेश से मिला, जिसके बाद महेश ने ही उसे रात काटने के लिए कमरा दिलवाया था। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान से दिल्ली आकर सरेंडर करने से पहले ललित ने वहीं यानी राजस्थान में चारों मोबाइल को नष्ट कर दिया था। पुलिस की अब कोशिश है कि किसी भी हालत में चारों आरोपियों के मोबाइल को बरामद किया जा सके। स्पेशल सेल की टीम महेश और ललित को कोर्ट में पेश करेगी और रिमांड की मांग करेगी। वहीं बता दें कि इस कांड के पहले पकड़े गए चारों आरोपियों को पुलिस रिमांड के लिए 7 दिन के लिए भेज दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि मोबाइल फोन के बरामद होने के बाद कई राज खोले जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।